नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग हब में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हमने एक सेट डिस्कस किया था झारखंड हाई कोर्ट के लिए, और झारखंड हाई कोर्ट का एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुका है। ये मैंने बताया आपको कि 22 सितंबर को एक्सपेक्टेड है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने समान अध्ययन पोर्शन अभी स्टार्ट किया है, सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि इंग्लिश का ऐसे हो, लेटर हो, पैराग्राफ राइटिंग हो, ये सब चीज़ों को कोशिश करेंगे देखने का। फिलहाल के लिए देखते हैं हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, आजीवक एक संप्रदाय था जो बुद्ध के समकालीन था। इसका आंसर होगा ए, बुद्ध के समकालीन था। दो नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी। कुशीनगर में ली थी अपनी अंतिम सांसें। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया। देखिए, गांधार जो कला थी वो महायान शाखा के अंतर्गत काफ़ी विकास हुआ था। महायान शाखा के अंतर्गत उसको काफ़ी गांधार कला का प्रोत्साहन मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किस शासक ने एलोरा मंदिर की का निर्माण कराया था। एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था, राष्ट्रकूट ने। अजंता चित्रकला किससे संबंधित है। अजंता जो है बौद्ध से संबंधित है। बाबर ने अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया था। बाबर ने अपनी इच्छा से अपने शव को काबुल में दफनाया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, आगरा में हुई थी। तो 7 नंबर क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किया है और आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, 9 नंबर, 10th नंबर डिस्कस करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी। खालसा की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। खजुराहो का निर्माण चंदेल राजपूतों ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापित्य 12वीं सदी में नहीं बनाया गया था। देखो, कोणार्क मंदिर जो है 13वीं शताब्दी में बना था, कोणार्क मंदिर। ओके, तो 10th नंबर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूफी परंपरा में पीर का मतलब क्या होता है। पीर जो है सूफियों के गुरु को कहा जाता है। नो आखली स्थित है, नो आखली जो बांग्लादेश में स्थित है, और ये आज़ादी से पहले ये जगह पे नो आखली में कई बार वो दंगे हुए थे, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा था। गांधी जी ने भी दौरा किया था इस जगह को, और भी इसको कुछ नाम से पुकारते थे। गांधी जी कहते थे मौत का कुछ, इस जगह को कहते थे नोआखली को मौत का घाटी, समथिंग मौत का घर, इस तरह कुछ कहते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, नोआखली जो है बांग्लादेश में। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी को जो सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था 1908 में, वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में जब वो अपने आंदोलन को चला रहे थे, उसी दौरान विरोध करने के दौरान उनको 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का क्या कारण था। वैसे आंसर के मुताबिक ये डी है, बट इसके कई और कारण हो सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसको बस डी तक सीमित करके रखूंगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश सुश्री एम एस फातिमा बीबी। तो 16 नंबर कंप्लीट। नाउ 17 नंबर देखते हैं क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं। ये भारत की जो संचित निधि होती है उसके द्वारा ये दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, भारत की संचित निधि। मत देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है। मत देना जो है एक राजनीतिक अधिकार होता है। इसका आंसर डी होगा। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया मतदान का अधिकार, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। अब 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीली क्रांति का संबंध है। ऑब्वियसली मछली पालन से है। नीली एवं श्वेत क्रांति संबंधित है। नीली जो है मछली से है और श्वेत जो है
दुग्ध से, तो मछली और दुग्ध, इसका आंसर हो जाएगा डी सी सॉरी सी। निम्न में से कौन आयरन चांसलर के नाम से जाने जाते हैं? आयरन चांसलर के नाम से ऑटो वन बिस्मार्क को, यहाँ बिस्मार्क होगा, बिस्मार्क को जाना जाता है, और ये जर्मनी का, जर्मनी के थे, जर्मनी के पहले चांसलर थे। निम्न में से कौन सा एक सुवक्ता था? गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु, जो है एक सुवक्ता थे, राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। 23 नंबर क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। 24 नंबर है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान जो है चेन्नई में है, च से चमड़ा, च से चेन्नई, ठीक है। पोषण राष्ट्रीय संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? पोषण जो है पो है, पोषण जो है हैदराबाद में, पोषण जो है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में पोषण राष्ट्रीय संस्थान है। निम्न में से कौन सा भारत का घरेलू निर्मित लड़ाकू विमान है? तेजस ऑब्वियसली, किस राज्य में प्राचीन सेंट थॉमस चर्च है? केरल में। वन दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? चक्रवाती तूफान जो है आकस्मिक बाढ़ की कैटेगरी में आता है। तो हमने दोस्तों 30 क्वेश्चन डिस्कस किया, होपफुली आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और भी सेट लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आने वाले सेशन में हम लोग कुछ कुछ जो ऐसे राइटिंग हो या फिर पैराग्राफ राइटिंग हो, वोकैबलरी हो, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।